गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रानी प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, हमारी नेता कैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, रानी साहिबा कैसी हो, महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, थोड़ी सी मीडिया
मैम आज बैठक का यहाँ आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, कितना शक्ति जो है महिला शक्ति को यहाँ पर मिलेगी और किस तरह की तैयारी अब प्रदेश कांग्रेस की अगर बात करें चुनाव के लिए तैयार है? आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारे चुनाव होने जा रहे हैं और हम इसके लिए पूरी तैयारी में है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, आप जानते हैं महिलाएं पार्टी के लिए बहुत मेहनत करती है, बहुत कर्मठ तरीके से काम करती है। आज इस बैठक का आयोजन भी हमने इसीलिए किया है कि सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो चुनी हुई वहाँ से महिलाएं हैं, उनके साथ बैठकर हम विचार विमर्श करेंगे और उनको आदेश देंगे कि किस तरीके से आपने आने वाले चुनाव में तैयारी करके फील्ड में निकलना है। तो किस तरह का मैम आज रहेगा, कितना जो है, क्योंकि काफी सारी महिलाएं यहाँ पर आई है और चुनाव यहाँ पर आ रहे हैं, तो किस तरह से तैयार करेंगे आने वाले जो चुनाव है विधानसभा के? ये कोई पहला चुनाव नहीं है, ये कई चुनाव पहले भी हो चुके हैं और महिलाओं ने उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी महिलाएं जिस काम में जुटती है उसको पूर्णतः निभाकर अंततः पार्टी को विजय दिलवाती है। इस बार भी हम इनसे यही उम्मीद करते हैं कि इन लोग दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करें, काम करें और जो हमारे चुनाव आ रहे हैं उसमें इनकी भारी उसमें इनकी भागीदारी रहनी चाहिए ताकि हम इस चुनाव को सफल बना सकें। महंगाई लगातार बढ़ रही है मैम और महंगाई महिलाओं से खासतौर पर जुड़ा हुआ विषय रहता है, रसोई का सारा काम महिलाएं देखती हैं, तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी महंगाई के इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भी जाएगी और जागरूक करेगी ताकि चुनावों में जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग आ सकें? आप जानते हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकर यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं महंगाई कम करूंगा। उस वक्त जो एक गैस का सिलेंडर था 450 रुपये हुआ करता था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर आप मुझे मौका देंगे हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो मैं इस महंगाई को भी कम करूंगा और नौजवान साथियों को रोजगार भी प्रदान करूंगा। आज सभी में निराशा है, लोग बहुत दुखी है कि उन्होंने जो कहा वो उस पर खरे नहीं उतर पाए और ये महंगाई का मुद्दा तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हर खाद्य पदार्थ की, चाहे वो सीमेंट सरिया है, चाहे हमारा गैस का सिलेंडर है, चाहे खाने की सभी चीजें कितनी महंगी हुई है। इन मुद्दों को लेकर लोग बड़े दुखी हैं और लोग चाहते थे कि इनके कार्यकाल में कोई इसमें कम हो प्राइसेस पर, वो भी कुछ ऐसी बात सामने देखने को नजर में नहीं आई। तो इस ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम चुनाव के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को कहेंगे कि महंगाई के मुद्दे पर वो कदम कदम पर लोगों को इस बात से अवगत करवाए और पार्टी को सफलता प्रदान करें। प्रधानमंत्री आना है, प्रदेश के लोगों को एड्रेस करना है, तो वो इन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों को उलझाने की बात कर रहे हैं। जो आपने ये GST की बात करी, ये भी इसीलिए प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को ताकि लोग इससे प्रभावित होकर उनकी तरफ आकर्षित हो, पर मुझे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को आने की बात है, हालांकि गुजरात में उनके अपनी स्टेट में भी इलेक्शन है, पर वो यहाँ पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं। चाहे मोदी जी आ रहे हैं, चाहे अमित शाह आएंगे, नड्डा जी आएंगे, अनुराग ठाकुर जी आएंगे, वो तो अपने पार्टी के लिए काम करेंगे और वो जानते हैं कि अभी पिछला जो हमारा